कोई जवाब नहीं है। प्रथम शिक्षा 19 श्री सुरेंद्र सिंह जी, शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का शिक्षा विभाग से जवाब नहीं आया है। ये जो क्वेश्चन है, ये लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कोई सर्विसेज या कोई ऐसा कोई घपला घोटाला किसी प्रकार का इस तरह की कोई वो नहीं है, परंतु इसमें साफ दिखाई देता है जिस तरह से अधिकारी तानाशाही के तहत जवाब नहीं देना चाह रहे। इस क्वेश्चन के अंदर जो है मात्र नॉर्मल जो है ना जानकारी मैंने मांगी थी, इसमें मांगा था कि स्कूलों के अंदर जो बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने हैं वो कब तक बन जाएंगे, स्कूलों में जो है खाली जो रिक्त पद है टीचर्स के कब तक भरे जाएंगे, प्रमोशन जो प्रधान अधिक उनके हैं अध्यापकों के लिए है कब तक किए जाएंगे, अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के लिए क्या कार्रवाई चल रही है, और क्या एसएमसी के माध्यम से अध्यापकों के पद भर सकते हैं। खाली ये नॉर्मल जानकारी है, नॉर्मल कोई आरटीआई में भी अगर ये जानकारी मांगता है तो उसको मिल जाने चाहिए। अगर सदन का कोई सदस्य इस प्रकार के क्वेश्चन मांग रहा है या इस तरह का क्वेश्चन किया है तो इसका जवाब आना चाहिए था, इसे साफ दिख रहा है। इसीलिए जो आज जो लगातार जो सदन चल रहा है, जो दिल्ली की जो मांग है पूर्ण राज्य की, वो बहुत ही जरूरी है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसे ऐसे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना संख्या रखते प्लीज। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस विषय में हमें अवगत कराएं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 19 का तो जवाब दिया जा चुका था, लेकिन ख और बाकी च तक का जवाब देने से आपके संज्ञान में पहले भी ला चुका हूँ। 3 बार शिक्षा सचिव को कहा गया है कि इसका जवाब विधानसभा पटल पर रखा जाए, विधानसभा पटल पर रखने के लिए मुझे दिया जाए। उन्होंने बार बार मेरे पास में एक बहुत ही निराधार तथ्य का सहारा लेते हुए कि ये सर्विस मैटर है और सर्विस मैटर के तहत जवाब नहीं दिया जा सकता। मैंने उनको बार बार लिखा है कि ये सर्विस मैटर, पहली बात तो सर्विस मैटर हो या ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हो, सबके बारे में ये विधानसभा पहले भी सवाल पूछती रही है, और इवन जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट्स नहीं है सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि डीडीए और दिल्ली पुलिस से भी विधानसभा सवाल पूछती रही है, और विधानसभा के सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस और डीडीए ने नोडल अधिकारियों के माध्यम से दिए। पिछले सेशन में भी मैंने एक बार बताया था कि भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी जब किसी सदस्य माननीय सदस्य ने सवाल पूछा टूरिज्म से संबंधित, तो कुछ प्रश्न भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट से संबंधित थे, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। लेकिन ये कौन सी साजिश रची जा रही है डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए और इस विधानसभा को कमजोर करने के लिए, या दिल्ली में कौन सा ऐसा करप्शन हो रहा है इन सब चीजों में कि इन सवालों के जवाब देने के लिए ट्रांसफर सब्जेक्ट और फिर सर्विस सब्जेक्ट का सहारा लिया जा रहा है। मैंने बार बार अधिकारियों को चेतावनी देते हुए भी कहा है, आज भी जब आपके आदेश अनुसार उन्हें उनकी तरफ से ये निवेदन आया कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते, मैंने उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन को मैंने लिखित में आदेश दिए थे कि विधानसभा में 2 बजे ऑफिसर्स गैलरी में उपस्थित हों, अपने साथ अगर चाहें तो एक किसी और अधिकारी को भी मदद की ला सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ देख रहा हूँ शिक्षा सचिव भी यहाँ नहीं है और शिक्षा विभाग से कोई और अधिकारी भी यहाँ नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सदन की खुलेआम अवमानना है, और वो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। यानी कि कुछ करप्शन करने का डर है, हो सकता है सेंट्रल लेवल पर, हो सकता है एलजी के लेवल पर कुछ ऐसी साजिशें रची जा रही हों जिनसे इन सवालों के जवाब मिलने पर, इन सवालों के जवाब सदन के पटल पर आने से उन साजिशों के खुलने का डर होगा। कहीं ना कोई अधिकारी, कहीं ना कहीं कोई एलजी के ऑफिस में बैठ के, कहीं ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के क्यों इनको दबाने की, इन सवालों के जवाब दबाने की कोशिश की जा रही है मंत्री के बार बार लिखने पे, और आज जब मंत्री की तरफ से लिखित आदेश गया है तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये आपकी संख्या में प्रश्न संख्या 44 सुरेंद्र जी, प्रश्न संख्या 44 प्रस्तुत कर दीजिए, बाकी और मैं बोल देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न नंबर 44 है ये लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जो है DSSB जो है फॉर्म निकालता है, उसके बाद फॉर्म भरवाता है, लाखों करोड़ रुपए की फीस जमा करवा लेता है, उसके बाद जो है ना उनके टेस्ट ले रहा है, ना उनसे
किसी प्रकार का तालमेल कर रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अभी आप पीछे देखोगे शिक्षा विभाग के जो टीचरों का जो पेपर हुआ तो वो पूरे एरिया के अंदर उन्होंने पहले डिग्री कर दिया। इस टाइप के खुलासे जो एलजी साहब के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार हो रहा दिल्ली के अंदर उसकी अथा सीमा चरम पर पहुंच चुकी है। आज दिल्ली की जनता जो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रही है इसलिए मांग रही है। इन सवालों के जवाब में कोई वो नहीं है परंतु उनका भ्रष्टाचार खुलने की बात सामने नजर आ रही है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से इस क्वेश्चन के जवाब के बारे में जानना चाहता हूँ। मंत्री अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 44 के संदर्भ में भी तथ्य वही है। मैंने शिक्षा सचिव को लिखित आदेश दिया है कि वो इसके जवाब के साथ में तीन बार वो उसको टाल चुके हैं, उसको बार बार फाइल घुमा रहे हैं। मैंने उनको लिखित आदेश दिया था, आज भी वो ऑफिसर्स गैलरी में लेकर आने का यहाँ पर उपस्थित नहीं है।